आज जंगल की रानी एक बच्चे को जन्म देता है जिसको एक वानर जंगल की सभी जानवर के सामने लेकर जाता है और कहता है यह आने वाले समय में इस जंगल का राजा बनेगा, जो सुन के सभी जानवर खुश हो जाता है सिवाय एक उस राजा के भाई जिसका नाम है स्कार। और फिर कुछ ही महीने बाद सिम्बा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तब उसकी पिता एक दिन उसको एक पहाड़ के ऊपर लेकर जाता है और कहता है ये सूरज की रोशनी जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक हमारा साम्राज्य है। सिम्बा ये सब भौतिक गौर से सुन रहा था। फिर सिम्बा उसके पिता को पूछता है उस काली घाटी के बारे में जिसमें उसके पिता उसको वह जाने के लिए मना कर देता है। और फिर उसी दिन ही सिम्बा स्कार से मिलता है जहां स्कार उसको कहता है भले ही तुम राजा बन जाओ लेकिन तुम कभी भी उस काली घाटी में नहीं जा सकते। जिसके बाद सिम्बा उसकी दोस्त के साथ मिलकर उस काली घाटी में चला जाता है जहां जाने के बाद सिम्बा और उसकी दोस्त के सामने बहुत सारा लकड़बग्घे आ जाता है। फिर वो सभी लकड़बग्घे जब उनके ऊपर हमला करने वाला होता है तभी सिम्बा का पिता आ जाता है और सभी लकड़बग्घे को मारकर वहां से भगा देता है और उन दोनों को बचा लेता है।